लगभग 21 साल बाद पंजाब ने अपनी जिहड़ी कोल माइंस है पछवाड़ा कोल माइंस उहदा कोला पंजाब नूं उत्थों चल गया है और शुक्रवार दे करीब इह कोला जिहड़ा है रोपड़ थरोपाणी पहुंचेगा जिथे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस नूं रिसीव किया जाएगा। 70 लाख मीट्रिक टन की समर्था जो सालाना इहदी हैगी इस कोल प्लांट की उहदा कोला जिहड़ा है गल कीती जाए तां कोलगेट दे विचकार आ गया सीगा जदों कोले दा घोटाला सी। उस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस नूं सारे जिहड़े कोल डॉक्यूमेंट सी सारे रद्द करते सी, मुड़ के इस नूं 2015 विच दुआर ते पंजाब नूं लौट आया सी। उस तों बाद कई घुमण करियां कई कानूनी अड़चणां करके इह कोला उत्थों माइनिंग नहीं हो सकी और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों तो बाद एक कोला की माइनिंग जी अपनी पावर कंपनी के जितया और पूरी माइनिंग का कार्रवाई आरंभ की और डी ऑर्डरिंग मार्च के महीने इस साल शुरू हुई। उस तो बाद सितंबर के महीने कोले खदान चो कोला उत्पादन होने लग गया और अज पाकुड़ जिला झारखंड रेलवे स्टेशन है उतो कोला पंजाब को चल चुका है और 4 दिन के करीब जरा कोला रोपड़ थरण प्लांट पहुंचेगा। इस कोले की जो एक पेज फसया है वो केसर कोल के पेज फसया है क्योंकि 70 लाख मीट्रिक टन कोला पंजाब के थर्मल प्लांट है जो सरकारी थर्मल प्लांट है रोपड़ और लहरा मुहम्मद उसके लिए बहुत कोला है। वो इस कोले को निजी थर्मल प्लांटा लिए वरतन के लिए बीते दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह मिले सन उन्होंने बेनती की कि यह जो कोला सरकारी कोला है निजी थर्मल प्लांटा लिए वरतन की आग्ञा दी जाए। हूँ जी गेंद है केंद्र के पाले च है और जोड़े आर के सिंह है मंत्री पावर मिनिस्टर इंडिया के वह अलाउ करते हैं निजी थर्मल प्लांटा कोला देने के लिए या नहीं करते हैं। जे कोला पंजाब को पूरी रूप से मिल जाता है सारा निजी थर्मल प्लांटा मिल जाता है तो 600 करोड़ रुपया सालाना जी है आम जी बचत आप कह सकते हैं पावर का हो जाएगी और विदेशी कोला का 4 लाख मीट्रिक टन बारहों आता है उस कोले की बचत होगी। उससे 520 करोड़ रुपया जोड़ा एक्सपेंडिचर पावर काम का खर्चा है वह भी बचेगा। कुल मिला के काफ़ी करोड़ों की बचत जी है पावर काम इस कोले के नाल होने वाली है। कैमरा पर्सन जब बंदे गगन जी को हो जाए।